हाय गाइस, मैं दिव्यांश, सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक हेडफोन्स की, जो कि मैं काफी टाइम से पड़े थे कि वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि लॉकडाउन वगैरह सडनली। तो फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये बोल्ट ऑडियो तो एक स्टेलर करके हेडफोन्स हैं जो लॉन्च हुए थे मार्च में। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उसको चेकआउट करते हैं किस तरह की हेडफोन्स हैं। बट उस सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, इस क्वारंटाइन टाइम में घर में रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें प्लीज़, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में जो है फिर वही चीज़ें इंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो ये चीज़ें और एक्सटेंड होती जाएंगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, टेक केयर। चलो तो इसके अनबॉक्सिंग को हम लोग शुरू करते हैं। बॉक्स हम लोग ओवरव्यू लेते हैं, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे फ्रंट में बोल्ट ऑडियो स्टेलर लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार दिखता है। और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अनप्लग योरसेल्फ, जो टैगलाइन इनकी है। साइड में कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिल्ट इन माइक आपको देखने को मिल जाएगा, 8 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिल जाएगा, HD साउंड और उसमें सबवूफर लगे हुए हैं, ऐसा इन लोगों ने क्लेम किया है। चेक करते हैं कंटेंट्स वगैरह को हम लोग, कंटेंट्स हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा हेडफोन रखे हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक ऑक्स केबल जो कि गोल्ड प्लेट ऑक्स केबल है और जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, इन लोगों ने प्रोवाइड करी है। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको एक चार्जिंग केबल जो कि नॉर्मल जो है USB टाइप केबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा बोल्ट ऑडियो का फ्लिप टू विन का कुछ से कार्ड दिया हुआ, जो कि आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या है। एक ये वारंटी कार्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आप इसको QR कोड को स्कैन करके क्लेम कर सकते हैं। यूजर मैनुअल दे दी है स्टेलर की, जो आपको इन्फॉर्म कर देगी इसको किस तरीके से यूज़ करना है, सब कुछ इसमें आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। हेडफोन का अगर हम लोग ओवरव्यू लें तो यहाँ पे आपको कलर काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे बॉटम में आपको जो है ऑक्स का और चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिलता है। साइड में आपको 3 बटन देखने को मिल जाएंगे, प्लस माइनस और प्ले पॉज के। यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट जो है कुशन पेडिंग पर ही लिखा हुआ है। और टॉप पे यहाँ पे देखेंगे तो ब्रांडिंग करी हुई है बोल्ट की, तो डिज़ाइन काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है, क्रीम कलर के डिज़ाइन है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेटलिक यूज़ किया इन लोगों ने, एडजस्टेबल हेडस्टेप आपको देखने को मिल जाते हैं इन हेडफोन्स में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल वे में काफ़ी अच्छे दिखते हैं हेडफोन्स, हम लोग चेकआउट करते हैं और उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ मैं वर्डिक्ट में गाइस। चलिए ऐसे फन वर्डिंग की बात कर लेते हैं लोग हेडफोन्स के बारे में। तो मैं 3 पॉइंट से आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसके बिल्ट और डिज़ाइन के बारे में। तो बिल्ट और डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो ये बिल्ट जो है पूरा प्योर प्लास्टिक बिल्ट के साथ आते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुशन पैडिंग देखने को मिलती है। और डिज़ाइन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर फोल्डेबल डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप उसको फोल्ड कर सकते हैं और इजीली जो सब कैरी कर सकते हैं। इसके जो हेड्स हैं आप उनको भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है आपके हेड के अकॉर्डिंग आप उसको जो एडजस्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक बिल्ट है यहाँ पर, मेटल का हल्का सा इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, बहुत लाइट स्लाइट यूज़ किया हुआ है इन लोगों ने, और उसमें भी जो है उन्होंने प्लास्टिक शिमरिंग देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। ये अगर हम लोग बात करें ईयर पैडिंग्स के बारे में, तो ईयर पैडिंग्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं है इसकी ईयर पैडिंग्स। अगर लॉन्ग टर्म में आप इसको पहनोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है ये इरिटेट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में इसने ये हेडफोन्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि साउंड्स के मामले में। अगर हम लोग बेस की बात करें, ट्रेबल्स की बात करें, तो सभी क्लीन और क्रिस्प आपको देखने को मिलती, कोई इशूज़ नहीं आएंगे। साउंड के डिपार्टमेंट में इसको थम्स अप दूंगा। बात करें अगर कॉलिंग वगैरह के हिसाब से, अगर आप इस हेडफोन को देख रहे हैं तो कॉलिंग वगैरह भी डिसेंट कॉलिंग आप इस पर कर सकते हैं। गेमिंग के रास्ते में इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेग देखने को मिला मुझे, यानी कि आप अगर गेम खेलेंगे तो लैग काफी आएगा, और गेम के लिए बिल्कुल भी मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए गाइस, प्राइसिंग अगर बात करूं हेडफोन्स के बारे में, तो आपको ये पड़ते हैं कुछ 1600 रुपए के, और 1600 रुपए के प्राइस पॉइंट पर अगर हेडफोन को देखें तो आप एक डिसेंट हेडफोन्स हैं। थोड़े से मुझे ये बल्की लगे, यानी कि आप लॉन्ग टाइम में अगर इसको हेडफोन्स को पहनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन फील होगा। साउंड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है आपको, ओवरऑल वे में बिल्ट और डिजाइन भी इसका अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो यदि आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। जाते दिवस आप लोग का प्यार बढ़ते हुए जाइएगा, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना हमारे वीडियो को। मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।